काफी दिन हो गए थे किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। तुम्हें भी पता है इंडियन होना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मतलब इंडियन खाने के लिए यार हम जी नहीं पाते, कितना ही घूम लें इंटरनेशनल, बट हमें चाहिए होता है इंडियन खाना। मेरे को तो भाई 15 दिन हो गए मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था। तो मैं एक आया हूँ यहाँ पर नाजिम करके है, वैलेंटाइन के अंदर ही है, मेरे हॉस्टल से बहुत ही पास है। रेट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से मील 500-700 रुपये की हो जाएगी, 500 या 600 की मील हो जाएगी, बट खाने का वेराइटी और वो वाइब देख के बता सकता हूँ मैं। फाइनली थोड़ा सा इंडियन खाना है यहाँ पर, एक बीए के साथ प्याज मांग ली है मैंने। खाने की बात करूँ तो जस्ट एवरेज खाना था, दाल मखनी इतनी अच्छी नहीं थी, बट ठीक है, अब बाहर हो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 65,000 रुपये का बिल है, 65,000 की बात। सो एक लोकल सी जगह है, लोकल बोल रहा हूँ वैसे, यहाँ पिक्सा बे करके एक मॉन्यूमेंट है, वहाँ जा रहा हूँ। बट मैंने एक चीज़ ऑन रोड नोटिस करी लाओ के अंदर कि भाई यहाँ जितने ट्रक्स चलते हैं छोटे वाले, मतलब हमारे यहाँ SUV बोलते हैं ना यार, यहाँ पिकअप ट्रक्स ये बोलते होंगे शायद, मुझे नहीं पता, बट तुम देखो यार बहुत भर भर के बड़ी वाली SUVs है यहाँ पर, कोई छोटी गाड़ी से तो बात ही नहीं करता है। देखो कि तुम मेरे पीछे जाते जाते देख लेना, बस स्कूटर का साइज बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा, मतलब साइकिल जैसी इनकी स्कूटी लगती है मेरे को अब, क्योंकि मैंने थाईलैंड में बहुत बड़ी बड़ी देख ली, अब यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी हैं भाई, एकदम से आती हैं बड़ी गाड़ियाँ। छोटी गाड़ियाँ तो मतलब मैंने ग्रैंड एटन भी देखी है, मारुति सुजुकी भी देखी है, बट हैं अच्छी खासी। सो यहाँ का लोकल है ये, जुगाड़ बोल रहे हैं अपने इंडिया में, तो एक छोटी सी बाइक लगी है, ऊपर से रिक्शा बांध दिया है पीछे, ये देखो बहुत महंगा है साला। पहले तो उसने 50,000 मांगे, 50,000 का मतलब होता है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के 350 रुपये। भाई मैंने इसको 20 दिए हैं, वो भी मुझे पता है बहुत महंगा है, पर मेरे पास टाइम कम है इस वजह से ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आया हूँ, इस मॉन्यूमेंट का नाम है पटुक्से, सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पटुक्से नाम है यहाँ पर इनका। ये बहुत विक्ट्री गेट सा बना रखा है इन्होंने, शाम को बहुत सेक्सी लगता है, बट कोशिश करना है कि तुम शाम को आओ तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा टूरिस्ट अभी है नहीं, सामने ही कुछ है या तो ऑफिशियली है कुछ, इनका दिखाता हूँ, अब सामने का व्यू दिखाता हूँ। इंडिया गेट जैसा है अपना, इंडिया गेट जैसा, मतलब तुम हैदराबाद वाला गेट भी कह सकते हो, चार मीनार वाला। अब हम इसके नीचे से गुजरते हुए, बहुत सही सा लग रहा है। ओ भाई दिस इज नाइस दो, सी ऐसा लग रहा है हमारे हिंदुओं वाला कल्चर चल रहा है यहाँ पर अभी। गेट्स पे भी देखो भाई, मुझे बस ये बता दो, बलेनो आप दिखिए जाके, मुझे ये बता दो यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं क्या ट्रक व्रक? इनके सारे SUV भर के हैं भाई, कोई भी गाड़ी देखो तुम वहां पे लगी हुई, तो भी आ रही है, तो भी जा रही है, तो भी। शूज का अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे नाइकी का, आर दीज ओरिजिनल्स? ओके कॉपी का है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। ये वाला पूछा मैंने, 2.5 लाख की बोला मेरे को अराउंड, इन्होंने अराउंड 1500। सो यहाँ पर लेने आया था, हाँ जस्ट रिकॉर्डिंग दिस, ओके इट्स लाइक 25,000 कीप एंड इट्स, अब फोन चेंज करा लेता हूँ मैं। हाय, जस्ट वांट टू रिकॉर्ड ऑल द मोमेंट्स, सो यू कैन। हाय, व्हाट्स योर नेम? I mean,
मीम एंड शी टोल्ड मी दैट वी प्रोनाउंस कंट्री इज लाओ और इज लाओस. लाओ लाओ एंड लाओस मीन्स लाओ मीन कंट्री कंट्री एंड लाओस यू सेड लाओस मीन्स अल्कोहल राइट. या इट्स अल्कोहल. Alcohol. Okay, we need to pronounce the country name is Lao. It's not Laos, right? Yeah. So Laos means alcohol. Laos means alcohol. Yeah, so remember Laos. This. There's a lot of people who are saying like it's the country name is Laos, Laos, Laos. So I was a bit confused as well, like how to pronounce it. It's Lao or Laos. Okay. So we cleared it now. यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी और देखते हैं. वेदर अच्छा होता जा रहा है. होंडा का शोरूम भी है बट मैं एक्चुअली अभी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर. मैंने आई क्लाउड देखा था जो मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप का बैकअप ब्लॉक हो गया है 7 घंटे के लिए. आई हैव टू लॉग इन एज सून एज पॉसिबल. आई क्लाउड के स्टोर पर आया था, सोचा कि कुछ हेल्प मिलेगी बट भाई ने तो पहले ही मना कर दिया. रेट्स की बात कर ले फल से कि कितने का पड़ता है आईफोन वगैरह. यहाँ देखते हैं हाउ मच इट इज़ फॉर. कैश विड्रॉल की बात करते हैं. अब मैंने कैश विड्रॉ किया था यहाँ से अराउंड 5,000 रुपये जिसमें मेरी 40,000 कीप की भी फ़ीस लगी है और एक बार 30,000 कीप की भी फ़ीस लगी है. तो ऑलमोस्ट हमारे 5,000 रुपये विड्रॉ करने पर हमको अराउंड 1 मिलियन मिलते हैं, 1 मिलियन कीप मिलते हैं जो कि आपका 2-3 दिन का खर्चा होगा. मेरा हॉस्टल जो यहाँ पर चार्जेबल था वो था 1,26,000 कीप. मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 550-600 रुपये का मेरे को एक हॉस्टल मिला है और हॉस्टल भी बहुत शानदार सा ही है. बेड बहुत कंफर्टेबल है, हाइजीनिक है, यू कैन स्टे. इस हॉस्टल का नाम है टीटी हॉस्टल. ज़्यादा दूर है नहीं, एयरपोर्ट से 4.5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे ही है ये. यहाँ पर आपको टॉवल के तन की देने पड़ेंगे 10,000 कीप और 20,000 आपको डिपॉजिट करना है की के लिए. और तो कुछ है नहीं यहाँ पर और कुछ बताने के लिए. पटुकसे में गया था अभी, आपको भी बताया था. पटुकसे नेक्स्ट ब्लॉग में भी आपको देखने को मिलेगा. पटुकसे में गया था, यहाँ से क्लोज है मेकोंग रिवर जो कि हाफ थाईलैंड के अंदर है हाफ लाओस के अंदर है. लाओ दोबारा ठीक कर लेता हूँ, लाओ के अंदर है. सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपके भाई को बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की. थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सम. ये वाली गाड़ी है मेरी, अब बैन व्यांग के लिए मैं निकला हूँ. काफ़ी टाइम लगा दिया, पता नहीं कहाँ भाग गया उसका वो ड्राइवर. अच्छा सामान रखने के लिए. आई होप सो पुट है मैं उसमें ऑलरेडी वैसे. ओके रुके हैं, छोटा सा हॉल्ट लिया है 15 मिनट का बट इंटरेस्ट हो गया कि देखें यहाँ का पेट्रोल प्राइस कितना है. लेट मी चेक हाउ मच फॉर 1 लीटर पेट्रोल. या दिस इज 21,000 1 लीटर. सो 21,450 और 23,680 की 1 लीटर का है. कैलकुलेट कर लेना गाइस, 236 रुपये है हमारे 1 रुपये के हिसाब से. इंटरनेट का थोड़ा सा फड्डा हो गया है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. इनको समझाना बड़ा मुश्किल है यार, समझ में नहीं आता इनको. भाई मोस्टली चाइनीज भी बहुत सारे हैं. भाई चाइनीज तो हमें हर जगह मिलेंगे बट यहाँ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के हैं क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा और बॉर्डर भी बहुत क्लोज है यहाँ से. तो बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेजेस पे भी चाइनीज लिखा हुआ है, बोलते भी चाइनीज हैं और दिखेंगे भी आसपास तो मैं बहुत सारे चाइनीज. ली थी एयरपोर्ट से यार 10 GB डेटा बोला था उसने. अब मैं यहाँ पर आके वापस खड़ा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन का नेट नहीं चल रहा और ये बोल रही है कि ख़त्म हो गया है तुम्हारा डेटा, ख़त्म हो गया. मैं कह यार एक दिन में 10 GB बहुत होता है 10 GB यार. भाई अब ये एयरपोर्ट पे कॉल करेगी कि क्या सीन है मेरा, क्यों कौन सी सिम दी है, देखते हैं क्या फिक्स कर सके. 80 बात दिए थे मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पर. वहाँ खड़ा होने के बाद मुझे पता चला है एक्चुअली क्या हुआ. कह रही कि 10 GB डेटा ख़त्म हो गया तुम्हारा एंड यू हैव टू रिचार्ज अगेन. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं कल तो पूरे टाइम वाईफाई पे यूज़ कर रहा था अपना, 10 GB डेटा ख़त्म कैसे हो गया. वही मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था. वो कह रही थी कि दोबारा रिचार्ज कर लो, इट विल बी 75,000 की एंड आपको 10 GB डेटा मिल जाएगा. मैंने कहा अरे यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, लाइक मैंने 10 GB डेटा ख़त्म कैसे कर दिया है यार, वो नहीं समझ में आया मेरे को. Yeah.
आई रीच वेन व्यांग, हम यहाँ उतर गए। अब अपना हॉस्टल देखते हैं कहाँ पे। एक हॉस्टल सामने ही है, नाना घर के है, नाना बैकपैकर हॉस्टल। नॉट श्योर कैसा होगा, आई हैव टू चेक विद द इंटरनेट। अभी तुम्हें पता है मेरा इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया है। लेट्स सी अभी कहाँ कैसे जाने वाले हैं हम लोग। नहीं दिख गया ये हॉस्टल, तो चेक कर लेता हूँ कितने का पड़ने वाला है। आई होप सो फुल ना हो। इन कर लिया है, सस्ता ही है वैसे, 70,000 कीप दिए हैं। और मैं जहाँ पहले स्टे कर रहा था वहाँ 1,26,000 कीप थे। यहाँ पे 2 दिन का जुगाड़ हो रहा है, सस्ता ही है वैसे अभी तक तो। एप्पल आईडी ने बहुत जान खाई है मेरी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो डिफरेंट कैसे हो गई है। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ व्यान व्यांग, सही से बोल रहा हूँ तो मैं। हाय, सो अभी क्या है मेरे को, एक तो रिचार्ज कराना है, ठीक है, उसके बाद कल का प्लान करना है। ऑलमोस्ट आज का दिन निकल गया है, मेरा बर्थडे आज 14 सितंबर है और मैं खाली तो नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं खाली निकाल सकता हूँ। लेट्स सी, थोड़ी सी शॉप पे देता हूँ। एक तो सामने देख रहे हो कितना शानदार सा नज़ारा है, पीसफुल सिटी है काफ़ी ये वेन व्यांग। वो लिखा हुआ नाम देखो, वैन वैंग व्यांग, वैंग व्यांग। लोग ही काफी इंटरेस्टिंग है बट थोड़ी कम इंग्लिश बोलते हैं। देशों में घूम कर ना जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी ना वो भी चली जाएगी, पक्का पक्का से कसम से। कुछ एक तो समझाने में बड़ी मेहनत, इशारों पे आ जाते हैं, इंग्लिश की छोड़ भाड़ में जाएंगे, इशारों में समझा दो, चलो ठीक है ओके। फिर उसके बाद हैव नट हैव ऐसा ऐसा है। अभी जा रहा हूँ मिनी मार्ट पे, देखते हैं कुछ रिचार्ज का जुगाड़ हो और एक कल का पैकेज भी बुक कर लेते हैं, क्योंकि कल भी कुछ करना ही है, यहाँ सोने रहने तो नहीं आया हूँ। पर ये वाली गाड़ी अवेलेबल है काफ़ी, ये एक टूर करवाती हैं, ये वनडे टूर। आप थाईलैंड वगैरह में देखते हो तो क्लासी लगती हैं काफ़ी गाड़ियाँ, मिलती हैं क्लासी। यहाँ पर ये हैं जिसका ये वनडे टूर करवाते हैं, सामने भी खड़ी है देखो। तो इसके अंदर 2 पैकेज दिए हुए हैं, सोशल पैकेज में आप अनलिमिटेड सोशल मीडिया यूज़ कर लो बट आप गूगल और वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, और इसमें ये डिफरेंस है यार, खर्चा बढ़ा है, कल को 10 GB ख़त्म करवा दिया। मैं तो आ गया हूँ छोटा चाइना, सीरियसली तो मैं पीछे लिखी हुई चीज़ें और जो भी आइटम्स वगैरह हैं वो सब चाइनीज में लिखा हुआ है यार, दिखाता हूँ। इनकी आँख क्या पढ़ूँ मैं इसके अंदर घंटा, सब चाइनीज में लिखा हुआ है यार। अब ये मत बोलना कि तुम्हें चाइनीज़ नहीं पता, मेरे को पता है चाइनीज़ कैसी होती है, ये लाओ लैंग्वेज नहीं है इनकी। सो मैंने एयर बलून भी कर लिया है यहाँ पर, $100 पे किए हैं, ऑलमोस्ट आपके 85-100 रुपये, जिसमें आपको 8-10 लोग मिलेंगे और सुबह करोगे तो ज़्यादा ही बेहतर है। मैंने करा थोड़ा सा लेट, आते ही लेट हो गया था तो मैंने ये व्यू देखा, बट यहाँ पर मौसम बहुत शानदार है जस्ट बिकॉज़ अभी रेनी सीजन चल रहा है सेप्टेम्बर का, इसीलिए ये सारा मौसम बहुत ही शानदार है। यहाँ आ रहे हैं तो बल्क डिस्काउंट हमेशा एक्सपेक्ट करके रखें, बल्क डिस्काउंट पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। लाओ लैंग्वेज पढ़नी तो ये भी नहीं आती है मेरे को। शॉप से भी समझाओ, वैसे कच्चे बड़े सही लग रहे हैं यार, क्वालिटी भी सही है यार, पता करूँगा आके कितने का बेच रही है। लड़कियाँ बड़ी, हाय, How much for this one? 75,000. Okay. काफी महंगी भी है यार। हम तो चल रही है इस मार्केट में लाइटें देखते हुए, लोग आते हुए। हमारा काम ये है कि आज नई नई जगह एक्सप्लोर कर लो, जितना पॉसिबल हो लोकल कर लो, यही करूंगा मैं तो आज। ये तो मैं श्योर हो गया हूँ कि मेरे यहाँ आज खाने के वांदे होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। एक तो समझ में भी नहीं आ रहा और इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं, नहीं मेरे साथ तो फिल्टर लगा हुआ है, एक मैं बीफ नहीं खाता, पोक नहीं खाता और सी फूड नहीं खाता, चिकन खाऊंगा वो भी समझ में नहीं आएगा, डक भी नहीं खाता हूँ, तो मिलता तो यही सब भाई यहाँ पर। अब लेट्स सी कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करके क्या ही समझा कर खा सकता हूँ। वैसे भी एक धोखा हो चुका है मुझे, सुअर खिला दिया था एक बार बहुत अच्छी सी दुकान पर, फिर सॉरी सॉरी बोलने लगी, वो तो अच्छा हुआ एकदम से मुँह पर जाता है ना तुम्हें पता चल जाता है कि साला
ये वो नहीं है जो तुम खाना चाहते हो। कपड़ों की दुकान है यहाँ पर। मैं तो सोचा कुछ खाने वाने के लिए मिलेगा मुझे यहाँ पर, बिल्कुल ही नेक्स्ट जोन वाले कपड़े दिखा रहे हैं जैसे कि हम घूमते फिरते पहनते हैं। बैग बड़े प्यारे से हैं इसके। हाउ मच फॉर दिस वन? 75। ओके थैंक यू। और देखते हैं ये वाले पजामे भी बीवी के लिए लेना है भाई, लूज लूज से हैं थोड़े से, ले ले देखते हैं। है तो मार्केट बड़ी सी। मेरे को कभी कभी खुद नहीं समझ में आता है कि मैं खाने की जगह क्या ढूंढ रहा होता हूँ। ये मार्केट वैसे सस्ती लग रही है तो कुछ सस्ता ही माल देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हाय स्वेदी खा, इसे स्वेदी खा। भाई सही बताऊँ 35,000 की बोली यार, महंगा तो है यार वो, मेरे को लगा सस्ता दे रही होगी यार। 35,000 कीप का मतलब हो गया ऑलमोस्ट तुम्हारा अराउंड 200 रुपये। महंगा है भाई, बहुत महंगा है। मैग्नेट के 200 रुपये बोल रही है तो बहन चो कितना ही चूतिया काट रही है मेरा। मार्केट हो गया ख़त्म, कद्दू सा मार्केट था, ऐसा कुछ है नहीं सामान जो हम खरीद ले। बर्गर चाइनीज लोग बहुत हैं साले, बहुत ही लोग हैं। नेक्स्ट लेवल इनके पास में ही है ना ये। यार कुछ खाने का नहीं है, बस कुछ भी खाने का नहीं है। ये बहुत प्रिटी सा है, देख लेंगे कुछ। मतलब बेसिकली सारी चीजें एक जैसी ही है यार, सारी जैसी चीजें ना इन्होंने एक जैसी ही दे रखी है। कुछ खाने का दिखा और चॉकलेट। और वहां पर कुछ ये कुछ खाने का है भाई, खाने का है, खाने का है। वही न्यूट्रेला बनाएगी आई गेस। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। बट भाई केले बड़े राउंड राउंड से हैं, मीठे वाले केले हैं बिल्कुल ये। देखते हैं कैसे बना रही है भाई। चलो साफ सुथरा कर रही है बढ़िया। ये डाला इसने आए रिफाइंड ऑयल। क्या है भाई ये, क्या मुद्दा है? ओके ये पैनकेक थोड़ा दूसरे तरीके से है, वैसा नहीं बना रही है जैसा मैं सोच रहा था। ये तो नान सा बना दिया भाई, बिल्कुल नान बन गया इसका। व्हाट इज दिस? बटर। पता नहीं पहले रिफाइंड और बटर क्या ही है कॉम्बिनेशन। इन्हें डाल दिए भाई। पच्चीस हज़ार कीप। भाई करेंसी एक्सचेंज के साथ तुम्हें पड़ा था ये 200 कीप का, 1 रुपया यानी कि 200 कीप। कैलकुलेट करोगे तो अराउंड तुमको ये पड़ जाएगा 60-70। ज़्यादा का पड़ेगा यार, 60-70 से तो ऊपर का ही पड़ेगा। आई होप सो अच्छा हो।
भी बना दिया है इसमें, सही है। बटर डालेगी अब, पीनट बटर ही है। बड़ा कंजूसों की तरह डाला है यार। भाई बहुत सही लग रहा है आप देखने में भी, अगर थोड़ा सा न्यूट्रेला डाल देना बढ़िया लगेगा। न्यूट्रेला ऐसे थोड़ा सा कर दे बस, कर दे न्यूट्रेला न्यूट्रेला। दिस इज कोकोनट पाउडर। भाई 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 मैंने तो नेक्स्ट लेवल चीज मंगा ली है, बस न्यूट्रेला और डाल दे यार। नहीं डाला नहीं डाला। थैंक यू गाइस, अच्छा लग रहा है ये। अब आती है बारी इसकी टेस्ट करने की। यार टेस्ट करके भी तो बताना पड़ता है ना कि तुम कल को खाओ तो बढ़िया लगे, है ना। एक्सपेक्टेड था टेस्ट भी, एक्सपेक्टेड था, बहुत सही लग रहा है, बहुत ही सही। पैसे वसूल वाली चीज़ है ये, बट थोड़ा न्यूट्रेला डाल देती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। लोग पता ना ये ऐसे वन डे टूर ले जाते हैं, हाफ डे टूर पे लेके जाते हैं। देख रहे हो सारे चाइनीज है इसके अंदर, और इधर भी सारे ये एक और आई। यार अभी थोड़ा सा सीन हो गया मेरे साथ, मेरे को एक्चुअली एक बंदा मिला था कोरिया से था वो, तो मुझे लगा वो दिखा मुझे एकदम से, अब यार क्या ही बोलूँ, थोड़ा सेम से लगते हैं भाई। मैं उसको हाय 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 क्वैंक क्वैंक कर रहा जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा बंदा। उसने लिटरली आँख से आँख देखी, फिर मुझे लगा कि अरे ये तो कोई है ही नहीं यार। एट द मोमेंट लगा मुझे उनका यार आई एम रियली सॉरी ब्रो, चलो इट्स फाइन फाइन। हो गई तो फटाफट सब सामान बचाने में लगे हुए। मैं भी सोच रहा था इधर उधर एक आध चीज़ें देख लूं, बट एकदम से मार्केट दिन ख़राब हो गया इनका बेचारों का। Mine is lower, of course. It's outside, like 2 or 3. It's outside. Okay. In between means the cards 2 and 3. Outside means all the others. All the others. Like, of course. Outside. It can't be inside. Yeah. When you have these cards, inside means 6, 8, 9. Yeah, I got it. But if I'll talk about this one, like 3 and 2. Can't be inside. Yeah, that's what I mean to say. थोड़ा समझने के लिए ये गेम मैंने करा, गेम ऐसे बताऊंगा थोड़ा एक्सप्लेन करके, विल डू दैट फॉर यू। टू सिप्स जस्ट टेक वन, यू हैव ट्रस्टेड। ओह माय गॉड, या फाइव आई डोंट हैव फाइव फोर। Wow. Who takes the sips? Mine game. Wait. Play up. How many? Just one. Two. Okay. Together. I like the rock music before.